वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। उत्तराखंड में ड्रग्स कारोबारों के चेन को तोड़ने की जरूरत है। ड्रग्स मुक्त राज्य बनाने की बात समय समय पर कही गई है, लेकिन नशे के सौदागर ड्रग्स की तस्करी करके युवाओं बच्चों की रगों में जहर घोलने लगे हैं। इस मामले में उत्तराखंड भी पंजाब की राह पर है। अब सरकार ने 2025 तक राज्य को ड्रग्स मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी पहल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इस लक्ष्य को और ज्यादा आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने का जो लक्ष्य तय किया गया है, उसके लिए जरूरी है कि मिशन मोड पर काम हो। ड्रग्स का धंधा देवभूमि में फैल रहा है और युवा बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस पर प्रहार जरूरी है। लोगों को भी आगे आना होगा। स्कूल कॉलेज को ज्यादा सजग होना पड़ेगा। 3 वर्ष में नशा मुक्त प्रदेश बनाने, बड़े स्तर पर इसके लिए जूझना होगा। तो जिस तरीके से इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि प्रदेश को नशा मुक्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि भविष्य को बेहतर किया जा सके, ताकि भविष्य को सुरक्षित किया जा सके और बच्चों को जो कि नशे की लत में आते हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। 2025 तक नशा मुक्त प्रदेश बनाने की बात लगातार की जा रही है। ड्रग्स सप्लायर्स की जो चेन है उसको तोड़ने की बात भी लगातार कही जा रही है कि इस चेन को अगर तोड़ा गया तो राज्य को नशे से मुक्त किया जा सकता है, राज्य के युवाओं को नशे से बचाया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से ड्रग्स सप्लाई होती है उस पर प्रहार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो धामी सरकार लगातार इसी पहल को और आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। नशे को ख़त्म करने की कोशिश लगातार की जा रही है और ये मुहिम 2025 तक तय की गई है कि 2025 तक प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जा रहेगा, क्योंकि पंजाब में भी इसी तरह की पहल लगातार देखने को मिल रही है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शादाब शम्स बीजेपी प्रवक्ता हैं। शादाब जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मुकुल शर्मा मनोचिकित्सक, बहुत स्वागत आपका। कुसुम जोशी सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी स्वागत है। और शुरुआत मुकुल शर्मा जी आपसे ही करते हुए, क्योंकि ड्रग्स का कारोबार जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन बच्चों को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि हमारे देश का भविष्य है, जो कि हमारे देश का नाम रोशन करेंगे और भविष्य को सुधारेंगे, उनको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका तर्क देखिए, बहुत अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड धामी जी ने एक शुरुआत की है और उनकी सोच बहुत ही पॉजिटिव है कि हम 2025 तक आने वाले कुछ सालों में उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री कर देंगे। लेकिन सिर्फ कहने से ये काम नहीं चलेगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे बिंदु और बहुत सारे स्तंभ हैं जिनको साथ मिलकर ये काम करना होगा। अगर हम बात करें, सबसे पहले जो बच्चे यहाँ का जो यूथ है, जो 38 इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर सब जगह पर बाहर नशा बिकता है, जहाँ पर ये लोग ज्वाइन लेते हैं बच्चे, और यहाँ पर बहुत सारी स्मोकिंग करते हैं। और ये बच्चों जो पेरेंट्स हैं उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने बच्चों को देखें। आज के समय में लोगों के पास एक या दो बच्चे हैं जो बच्चों को लेकर, उनके लिए बहुत बड़े बड़े सपने हैं। जो माता पिता की जिम्मेदारी है, जो उनकी संपत्ति है, वो उनके बच्चे हैं, ना कि गाड़ियाँ और घर। तो वो अपनी जिम्मेदारी लें कि अपने बच्चे को सबसे पहले जिम्मेदारी वो लोग लें। उसके बाद स्कूल और कॉलेजेस के आसपास, जब सरकार बोलती है कि कई किलोमीटर तक नशा नहीं बिकना चाहिए, तो वहाँ पर जो सरकारी तंत्र है, जो शासन प्रशासन जिम्मेदारी ले उस बात के लिए कि हम नशे पे काम करेंगे और वहाँ पर नशा नहीं बिकने देंगे। लेकिन अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें, यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से देखें, तो कुछ सालों पहले ग्राम में नशा पकड़ा जाया करता था, आज किलोग्राम में पकड़ा जा रहा है। कई किलो नशा बिकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोग बच्चों को दे रहे हैं, स्कैंडल्स हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी स्तंभ हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकारी लोग हैं, जितने भी गैर सरकारी लोग हैं, जितने भी स्तंभ हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट करें और 2025 से पहले ही, और आज से ही शुरू कर दें, और उससे पहले ही इसको नशा मुक्त कर दें। शादाब जी, सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जो तय किया गया है कि 2025 तक हम प्रदेश को नशा मुक्त कर देंगे, बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हर कोई इसकी सराहना भी कर रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि नशे की लत से लोग दूर रहे, नशे से जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कि नशे की जद में आ जाते हैं, वो दूर रहें, हर कोई चाहता है, बहुत सराहनीय पहल है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, युवा मुख्यमंत्री क्योंकि युवाओं की भावनाओं को समझते हैं,
वो खुद भी युवा हैं और वो जानते हैं कि बच्चों के बिगड़ने का और संवरने का जो समय होता है उस समय उसकी बहुत हिफाजत की जरूरत रहती है। और अपनी नस्लों को अगर हमें बचाना है तो कहीं ना कहीं अपनी नस्लों को बचाने के लिए हमें ड्रग्स को पूरी तरह से इस प्रदेश से समाप्त करना पड़ेगा। पूरी तरह से हमें ड्रग्स के विरोध में एक बड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी। और उसके लिए युवा मुख्यमंत्री ने अगर कहा है कि हम 2025 तक पूरी तरह से उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त कर देंगे तो ये मान लीजिए कि ड्रग्स मुक्त कर देंगे, क्योंकि डीजीपी के से भी माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा हुई है और कई जो जिला के एसएसपी हैं उन्होंने भी नई अपनी अपनी टीम डिप्यूट की है, स्पेशल टीम कि जो कॉलेजेस के बाहर जो स्कूल्स के बाहर सिविल में मॉनिटरिंग करते रहेंगे कहीं भी कोई सूचना मिले। और इसके लिए हम तो तमाम लोगों से भी अनुरोध कर रहे हैं, पेरेंट्स से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जरा सा कहीं संशय मिले तो आप तुरंत सूचना दें। इन ड्रग्स के व्यापारियों को कहीं भी होंगे इन ब्लैक शीप को घसीट के लाएंगे और इनको इनकी हैसियत याद दिलाएंगे। किसी कीमत पे उत्तराखंड को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। अपनी नस्लों को बचाने के लिए हमें जिस हद तक जाने की आवश्यकता पड़ेगी उस हद तक जाएंगे, किसी कीमत पर भी। कितना रसूखदार व्यक्ति हो, कितने बड़े उसके संबंध हो, जो इस गिरोह का में इन्वॉल्व होंगे किसी कीमत पे हम बख्शेंगे नहीं। युवा मुख्यमंत्री ने बहुत मजबूत तैयारियां करके इस बात को कहा है और जन जागरूक अभियान भी हम लगातार एनजीओ की भी सहायता ले रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं ये बोला है कि 1905 जो सीएम डैशबोर्ड नंबर है, किसी को कहीं दिक्कत आती है, जरा सी कहीं सूचना मिले तो आप अपने यहाँ 100 नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी अगर कहीं आपको लग रहा है कि कोई अधिकारी नजरअंदाज कर रहा है आपकी बात को तो मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पे आप अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। हम किसी कीमत पर भी ये एक इसको जन सहभागिता से इस कार्य को हम करेंगे। पूरे भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कसम उठाई है, हम पूरे एक एक कार्यकर्ता इस मुहिम में लगेंगे ड्रग्स के खिलाफ, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाने में हम पूरी तरह से अपनी सरकार के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और सब ताकत से लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हम उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का काम। जी 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 बिल्कुल, आगे सवाल पूछूंगी आपसे कि किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा और किस तरीके से जन जन तक इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा और पहुंचाया जाएगा जन जन तक। कुसुम जी, सवाल मेरा आपसे होगा, आपके हिसाब से नशे को लेकर किस तरीके से जो देश के युवा हैं उसकी जद में आ रहे हैं, उसमें फंसते जा रहे हैं, एक तरीके से नशे में डूबते जा रहे हैं, अगर नशा मुक्त प्रदेश बन जाएगा तो कितना खुशहाल प्रदेश होगा? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम जी। और नशा किसी भी समाज किसी भी परिवार के लिए अच्छा नहीं होता। जिसका गलत असर युवा पीढ़ी पे पड़ता है इसका खामियाजा घर की महिलाओं को और समाज को उठाना पड़ता है। माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में कहीं ना कहीं महिला परेशान होती है अगर बच्चा नशा करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका। लेकिन असली कार्रवाई तो जमीनी स्तर पे होनी चाहिए। और पिछले 12 वर्षों में इस पर कार्य कर रही हूँ नशा मुक्ति पे, तो मुझे लगता है कि अगर हमारा प्रदेश नशा मुक्त होता है तो हमारे घर में खुशहाली आएगी और हमारे बच्चे और हमारे बच्चे बहुत सारे बच्चों के पास जैसे रोजगार नहीं है तो वो लोग भी नशा करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि जहाँ से ये नशा शुरू हो रहा है जैसे स्कूलों से, कॉलेजों से, गंगा घाटों से, तो वहाँ पे हम जन जागरूकता अभियान को हमें चलाना पड़ेगा। और अगर मुख्यमंत्री जी ये काम करते हैं, उनका मंत्रिमंडल ये काम करता है, उनके कार्यकर्ता ये काम करते हैं तो मैं उनको बधाई देती हूँ और मैं आह्वान करती हूँ उनका कि आइए हमारे साथ, क्योंकि मैंने देखे हैं पहाड़ों की महिलाओं को, पहाड़ के लोगों को नशे के कारण आज पूरे पहाड़ का पहाड़ हमारा बर्बाद हो चुका है। और सन 1861 में हमारे यहाँ पे नशा का प्रचलन ना के बराबर था। धीरे 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 19वीं सदी तक आने तक ये दवा के रूप में इसका सेवन होने लगा। आज नशे की प्रवृत्ति यह है कि घर घर में एक नरक बन चुका है। खासकर मैं देखती हूँ युवा पीढ़ी को, खासकर देखती हूँ मैं निम्न वर्गीय परिवारों को, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा नशे की वजह से बहुत ज्यादा बर्बाद है। तो मुझे बहुत दुख होता है जब मातृशक्ति मेरी माताएं मेरी बहनें जब आती हैं कि हमारे बच्चे हमें मारते हैं तो बड़ा दुख होता है, अंदर से बहुत पीड़ा होती है जी। ठीक है मुकुल शर्मा जी, सरकार की जो पहल जो कि शुरू होने जा रही है 2025 तक नशा मुक्त प्रदेश को किया जाएगा, कैसे आप इसको देख रहे हैं?
कि मैम बहुत अच्छी बात है और ये पहल हो चुकी है और सभी लोग हमारा ये जो उत्तराखंड है हमारा राज्य, इस राज्य की ये हमारा घर है, जैसे हम घर को अपने लोगों को चाहते हैं कि पॉजिटिव रहें, साफ रहें, वैसे हम ये भी चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड भी साफ रहे। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी देखने में आ रहा है नशा, नशा कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, नशे के अगर कोई व्यक्ति नशे में होता है तो उसका अपना करियर तो जाता ही है, लेकिन उसका जो परिवार है वो परिवार भी टूट जाता है। अगर बच्चा रात को 12 बजे 1 बजे घर नहीं पहुंचता है या नशा करके पहुंच रहा है और 8 घंटे की जो हिट है वो 8 घंटे बेहोश हो गया है या वो मिसबिहेव बदतमीजी कर रहा है या उसको डिसऑर्डर फियर फोबियाज हो गए हैं, अगर उसको मेडिकल प्रॉब्लम भी हो रही है उसकी वजह से, तो पूरे घर का जो माहौल होता है वो खराब हो जाता है और घर के माहौल से फिर हमारे राज्य का माहौल भी खराब होता है। तो पहल बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सालों से इसमें काम कर रहा हूँ, सत्या ऑपरेशन जो देहरादून में चलाया गया था उसको मैंने हेड किया है यहाँ पर और पुलिस ने बहुत काम किया उसमें, लेकिन लगातार काम करने की ज़रूरत है, हमें फॉलोअप करने की ज़रूरत है। अगर हम 4 लोगों को नशे से निकाल पा रहे हैं तो 40 लोग नशे में आ रहे हैं, तो निकालने का जो 4 बच्चे छोड़ रहे हैं नशे को वो बहुत कम है, लेकिन जो 40 लोग आ रहे हैं उस नशे में, जो छोटा बच्चा अगर आयोडेक्स ले रहा है या वो थिनर ले रहा है या वाइटनर का यूज़ कर रहा है, छोटा बच्चा जो मम्मी से झगड़ के आया है और जो माता पिता को नहीं पता है, पेरेंट्स को, कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, तो जितने भी वर्ग हैं, अगर हम पेरेंट्स की बात करें, स्कूल की बात करें, स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कॉलेज की बात करें, जो चौकियाँ हैं हमारी, स्पेशली जो थानों के बाद चौकियाँ, अगर चौकी की जिम्मेदारी हो कि आपके एरिया में नशा बिकना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ हमारे जो DGP महोदय हैं उस पर एक्शन लेंगे, अगर इस तरह की कोई बात हो कि आपके एरिया में नशा नहीं, आपके कॉलेज में नहीं बिकना चाहिए, आपके स्कूल में नहीं बिकना चाहिए, आपके पार्षद की जिम्मेदारी हो कि आपके जो एरिया है उसमें नशा नहीं बिकना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है और जितने भी अधिकारी गण हैं, जो हमारे राज्य के अधिकारी हैं, वो उस पर संज्ञान लें और उस पर एक्शन लें। बिना एक्शन के मुझे नहीं लगता कि वो नशा नहीं रुक जाएगा, तो उस पर एक्शन लिया जाए। और जो लोग इसमें, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ कि सिर्फ जो पैटलर्स हैं जो कि नशा करते हैं और नशा करते करते जब पैसा नहीं मिलता तो पैटलर्स बन जाते हैं, तो उन पैटलर्स को ही की ही गिरफ्तारी होती है। जो मेन स्कैम स्कैंडल के जो मुखिया हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में इसका बिजनेस करते हैं, जो बाहर से आ रहा है, और जो उनको उनकी अरेस्टिंग, उनकी गिरफ्तारी हो और इस पैटलर्स को ही ना पकड़ा जाए इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात कि जो किलो के अंदर राज्य से, जो आसपास के राज्य से हमारे राज्य में नशा पहुंच रहा है, उनको भी रोका जाए। ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य में जो भी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर के पुलिस लोग खड़े हुए हैं, अधिकारी खड़े हैं, वो एक जिम्मेदारी लें कि हमारे यहाँ 4 किलो 5 किलो इतनी बड़ी तादाद में किसी भी माध्यम से नशा नहीं पहुँचेगा। तो सभी लोग जब मिलकर काम करेंगे तो मैं ये समझता हूँ 2025 से पहले ही हम कंट्रोल कर पाएंगे काजल जी। ठीक 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 है शादाब जी, आपसे समझना चाहेंगे कैसे जन जन को जागरूक किया जाएगा, कैसे जो देश के भविष्य हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाई जाएगी, कैसे उनको बचाया जाएगा, क्या आपकी पहल होगी आगे, और जहां से इसकी शुरुआत होती है जो सप्लायर्स हैं कैसे उन पर शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि सब जानना चाहते हैं। काजल, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा, नेटवर्क 10 का धन्यवाद करूंगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे आज का डिबेट रखा है। ड्रग्स हमारी नस्लों को खोखला कर रहा है और हम सब लोगों को मिलकर इस ड्रग्स के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसमें मीडिया है, सोशल मीडिया है, जागरूक अभियान है, पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ कि हमें वो पेरेंट बनना पड़ेगा कि अपने बच्चों पर हम बारीक निगाह रखें। हमें लगे अगर हमारा बच्चा पैसा ले रहा है तो एक्स्ट्रा पैसा वो क्यों ले रहा है, उस पैसे का क्या मिसयूज तो नहीं कर रहा है, तो बहुत बारीक निगाह रखने की जरूरत है। और अगर मेरा बच्चा कहीं गलत चल रहा है तो उसे बचाने की बजाय मैं उसे सजा वाली प्रवृत्ति पे लेके आऊँ तो मुझे लगता है कि वो आसान रहेगा। उसको एक सरकार का डर, सरकार का भय भी रहना चाहिए, पुलिस प्रशासन का डर भी रहना चाहिए। और जैसे अभी बाकी पैनलिस्ट ने भी ये बात कही, मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ कि स्कूल कॉलेजेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों को भी इसके लिए उनको जिम्मेदारी दी जाए कि अगर आपके यहाँ इस तरह का कोई मामला पड़ा तो कल को आपके स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, आपके कॉलेजेस के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। और जिस तरह से एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव लेते हुए माननीय युवा मुख्यमंत्री, प्रदेश के DGP और तमाम सरकारी तंत्र, मेरी SSP देहरादून से भी बात हुई है, वो भी एक बड़ी मुहिम इस ड्रग्स के खिलाफ चला रहे हैं देहरादून में भी। और मुझे लगता है कि सारे SSPs हमारे हर जिले में इस तरह की मुहिम चलाएंगे। और
किसी कीमत पर भी, जो पॉलिटिकल शेल्टर भी कई बार मिल जाता है, नेता भी कुछ पॉलिटिकल कॉल्स कर देते हैं, मुझे लगता है कि तमाम राजनेताओं को भी इसके लिए बहुत गंभीर होना पड़ेगा कि हम इसके लिए किसी कीमत पर भी कोई मदद के लिए किसी की कॉल ना करें, क्योंकि जब तक डर और भय का वातावरण नहीं होगा तब तक लोग इतने क्योंकि ये लत है इतनी आसानी से नहीं छूटेगी, और आदमी नशे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं हमारी नस्लें। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस ड्रग्स के खिलाफ अगर हम सब लोग एकजुट होंगे तो ये ड्रग्स इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जिसको उखाड़ के ना फेंका जाए। और अब तो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमने यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, ये ड्रग्स क्या चीज है, अगर हम सब एकजुट। शादाब जी, जो अन्य राज्यों से जो अन्य राज्यों से सप्लाई होती है, नशे की सप्लाई होती है, उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, बॉर्डर्स के ऊपर जो चेकिंग है उसको तो हम स्पीड अप करेंगे, लेकिन इसमें जहाँ तेजी के साथ पुलिस की सख्ती सामने आने लगेगी, और जब लाठी डंडा चलता है तो फिर भूत नाचते हुए हमने चोरों के देखे हैं। चिंता मत कीजिएगा, इस बार उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस की भूमिका में नहीं, इस विषय पे सख्त पुलिस की भूमिका में नजर आएगी, और आप लोगों को दिखेगा कि मित्र पुलिस केवल मित्रों के लिए मित्र है, शत्रुओं के लिए हम शत्रु का नरसंहार करने में भी कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में ड्रग्स रैकेट जो भी पकड़ा जाएगा उसे इतनी सख्त सजा मिलेगी कि शायद हिंदुस्तान में कहीं भी कोई ड्रग का व्यापार कर रहा होगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। कुसुम जी, सवाल मेरा आपसे होगा, कितनी उम्मीदें आपको हैं जैसे सरकार की मुहिम से 2025 तक, कैसे आप देखती हैं? और सरकारों से देखिए, हमारा जो तंत्र चलता है सब सरकारों से चलता है, लेकिन वो काम धरातल पर कितना आता है, वो मैं भी जूझती हूँ उस चीज से, और रात दिन जूझती हूँ, तो मैं तो खैर निवेदन ही कर सकती हूँ। और मुझे तो उम्मीद कम है, मुझे उम्मीद सरकार से, लेकिन अगर ये लोग सीरियसली, सरकार अगर ध्यान देती है, शासन प्रशासन ध्यान देता है और बराबर जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है, क्योंकि जब कोरोना काल हुआ था उस दौरान अगर सप्ताह से जब पेश हुआ प्रशासन हमारा, तो लोग बाहर नहीं निकले। अगर सप्ताह किसी चीज में होती है तो मुझे लगता है कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो हो नहीं सकती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन उसके लिए सरकार को दृढ़ संकल्प की जरूरत है। उन लोगों को काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस छोड़ो मैं क्यों करूँ, ये नहीं होना चाहिए। लगातार अगर वो जन जागरूकता अभियान चलाते हैं और ये काम सरकारी कर सकती है, लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद है कि सरकार ऐसे कर पाएगी। जी शादाब जी, उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 तक उत्तराखंड प्रदेश नशा मुक्त होगा और जो देश का भविष्य है वो नशे से दूर रहेंगे, उनको बचाया जा सकेगा, उनको सुरक्षित किया जा सकेगा? बिल्कुल काजल, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा मुख्यमंत्री युवा है, युवाओं की परेशानी को समझते हैं, युवाओं की दिक्कतों को समझते हैं, हमें उनको काउंसलिंग भी देनी है और उन्हें गलत रास्तों से बचाना भी है। बहुत सब लोगों को ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और मैं इतना जरूर कहूंगा, हमारी एक बहन शायद कुसुम जोशी जी हैं जो बैठी हैं आपके पैनलिस्ट के रूप में, पॉजिटिव होने की आवश्यकता है। अगर हम नेगेटिविटी की बात करेंगे, नहीं ये मुमकिन नहीं है, सरकारों की मदद नहीं मिलेगी, ये नहीं चलेगा। हम सब लोगों को मिलना है और हम करके दिखाएंगे इस प्रदेश को। जब इनिशिएटिव लिया है मुख्यमंत्री ने तो हम सारे एनजीओ, हम सारे उत्तराखंडी एक सुर में खड़े होंगे, कहेंगे मुख्यमंत्री जी हम आपकी बात को नीचे नहीं गिरने देंगे, आज आपने हमारी दिलों की भावनाओं को छुआ है, ताकत के साथ हम सब लोग आपके साथ होंगे और जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे। जब तक आप पॉजिटिविटी नहीं दिखाएंगे तब तक कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव लैक ऑफ पॉजिटिविटी से हम जूझते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारे पैनलिस्ट पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव रहेंगे। हम सब लोगों का दायित्व बनता है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा उत्तराखंड है, यहाँ हम किसी कीमत पर भी अपने आने वाली नस्लों को खराब नहीं होने देंगे, जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे। सरकार, मैं पूरी तरह से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ आप लोगों को, सरकार पूरी तरह से इस ड्रग्स के खिलाफ वाली मुहिम पे आपके साथ है, जिस हद तक जाना पड़ेगा, मेरे कम शब्दों को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद को भी हम पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो ऐसे हमें बड़े रैकेट्स मिलेंगे उन्हें वो सजा दी जाएगी कि उनकी रूह कांप जाएगी। अगर कोई ड्रग्स का काम पूरे देश में कहीं और भी कर रहा होगा तो उत्तराखंड में ऐसी सजा मिलेगी पुलिस के माध्यम से कि उनकी रूह कांप जाएगी, वो जीवन में कभी इस काम को नहीं करेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप के पास नंबर है 1905, माननीय मुख्यमंत्री जी का टोल फ्री नंबर है, हमारे नंबर भी शेयर कर लीजिए, पूरी ताकत से हम सब लोग मिलके इस उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाएंगे, अपने नौजवानों को, नौनिहालों को, अपनी नस्लों को बचाने का काम करेंगे। और
ये राजनीति से ऊपर उठ के हम काम करेंगे, उत्तराखंडी होने की हैसियत से काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग हमें सरकार को भी मिलता रहेगा, और सरकार पूरी ईमानदारी से आप लोगों को जितने एनजीओज इसमें काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब लोग मिलके पुलिस प्रशासन के साथ मिलके एक अच्छा सहयोग की भूमिका में निभाएंगे, और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं होगा जो कमिटमेंट हमने किया है। पहले हमने अंग्रेजों से आजाद कराया था देश को, आज उत्तराखंड को हम इस नशे से आजाद कराने की मुहिम में लगेंगे, तो इसकी हैसियत नहीं है कि नशा इस उत्तराखंड में रहे। ठीक है मुकुल शर्मा जी, उत्तराखंड को देवभूमि के तौर पर जाना जाता है, उत्तराखंड पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है, सिर्फ देश ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं। ये जो मुहिम की शुरुआत, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। पहले भी हुई है, सभी मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है और उसमें रिजल्ट्स भी आए थे, जिस तरह से रिजल्ट्स आने चाहिए थे उस तरह से नहीं आए, बट यही एक दुर्भाग्य है कि जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जो ड्रग्स पकड़ा जा रहा है वो केजी में पकड़ा जा रहा है, कुछ लोग ठीक भी हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहल है बहुत अच्छी है, और हम सबको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हम सबको पॉजिटिव होना चाहिए एक अच्छे काम के लिए। एक मुख्यमंत्री महोदय का ही ये काम नहीं है, ये काम हर व्यक्ति का है कि हमारा उत्तराखंड ठीक हो। और अगर मैं सोचता हूँ कि इसमें अगर 1,000-2,000 लोगों को भी हम निकाल पाए और हज़ारों लोगों को अवेयर कर पाए कि आपको ड्रग्स के स्कैम स्कैंडल में नहीं फंसना है, तो तब भी हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है और हम सब लोग तैयार हैं, हम बहुत साल से काम कर रहे हैं, हम तैयार हैं कि हम जितना बेस्ट कर पाएंगे उसमें हम बेस्ट करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री को हम पूरा सहयोग करेंगे। शादाब जी, कुछ अलग देख पाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है बार बार कि पंजाब की तर्ज पर ये उत्तराखंड में भी शुरुआत हुई है, क्या पंजाब से कुछ अलग उत्तराखंड में देख पाएंगे? देखिए उत्तराखंड में, पंजाब और उत्तराखंड में जमीन आसमान का अंतर। उत्तराखंड में तो यहाँ तो माँ अपने बच्चे को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति पिलाती है दूध के साथ, और मैं ये कहता हूँ कि मेरे यहाँ तो हर परिवार से लोगों ने कुर्बानियां दी है राष्ट्र सेवा के लिए। तो जो ये ड्रग्स का पैसा राष्ट्र को तोड़ने में काम आता है, मेरे यहाँ के उत्तराखंड के बच्चे राष्ट्र प्रेमी बच्चे हैं, वो किसी कीमत पर इस ड्रग्स के को लेके कहीं ना कहीं अपने देश के मस्तक को नीचा। बहुत शुक्रिया शादाब जी, बहुत शुक्रिया आपका, कुसुम जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी है तो देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने का जो लक्ष्य तय किया गया है उसके लिए जरूरी है कि मिशन मोड पर काम हो। ड्रग्स का धंधा देवभूमि में फैलता जा रहा है और युवा बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं, इस पर प्रहार की जरूरत है। लोगों को आगे आना होगा, स्कूल कॉलेज को और ज्यादा सजग होना पड़ेगा। 3 सालों में नशा मुक्त प्रदेश बनाने का जो अब लक्ष्य तय किया गया है उसमें सफलता मिलेगी, सभी को उम्मीद है और सराहना भी की जा रही है। सत्ता के टेम्परेचर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।